प्रतीक अश्रफ की हत्या के चलते प्रयागराज में हाई अलर्ट। आज कई बड़े अधिकारी पहुंचेंगे प्रयागराज। सीएम योगी ने न्यायिक जांच आयोग के गठन के निर्देश दे दिए हैं। सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां निरस्त हो गई हैं और इसी के साथ यूपी में सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 भी लागू कर दी गई है। प्रयागराज में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। घटना के संबंध में 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपील की है किसी को किसी प्रकार से की परेशानी नहीं होगी। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। और इसी बीच हमीरपुर से भी बड़ी अपडेट, जहां माफिया ब्रदर्स के हत्याकांड का पूरा मामला, आरोपी शनी कुरारा का रहने वाला है। सूचना के बाद आरोपी सनी के घर भारी पुलिस बल मौजूद। तो आरोपी शनी का कुरारा का रहने वाला है और इसी के चलते आरोपी सनी के घर पर भारी पुलिस बल मौजूद है। अतीक और अशरफ की हत्या में संलिप्त आरोपी और लगातार पूछताछ में जो बड़े खुलासे हो रहे हैं उसके जरिए शिकंजा कसा जा रहा है, जहां आरोपी शनी कुरारा का रहने वाला बताया जा रहा है और इसी के चलते पुलिस बल जो है मौजूद है उसके घर पर, पूछताछ की जा रही है परिवार वालों से भी और इस संबंध में तमाम जानकारी और तथ्य जुटाने का जो प्रयास है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस पूरे मामले में न्यायिक जांच हो और किसी भी तरीके से कोई पहलू छूटे ना, इसको लेकर विशेष ध्यान रखा जाए। तो निर्देशों का पालन हो रहा है और लगातार पुलिस जो है मुस्तैद है। पूरा उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पर है। प्रयागराज क्योंकि संवेदनशील बना हुआ है वो भी हाई अलर्ट पर है। लगातार जांच जारी है इस पूरे मामले की और इस बीच 3 बजे का इंतजार, जब डीजी इस पूरे मामले को स्पष्ट रूप से ब्रीफ करेंगे कि क्या ये पूरा मामला है, क्या कुछ तथ्य फिलहाल अभी तक पुलिस के पास मौजूद हैं। अभी तक जिस तरीके से अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इन आरोपियों की क्या मंशा है, क्योंकि लगातार पूछताछ हो रही है, पूछताछ में ये आरोपी जो है अपने बयान बार बार बदल रहे हैं, इनके बयानों में विरोधाभास है जिससे साफ है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है और इसी के चलते प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती। ये तीनों आरोपी बने हुए हैं, इनकी मंशा क्या थी, किस तरीके से इनके अंदर कोई खौफ नहीं था, जहां इन्होंने सरेआम मीडिया के सामने अतीक और अशरफ पर गोली चलाई और इस तरीके से गोली चलाई कि मौके पर ही दोनों की मौत हो गई, तो सवालों के घेरे में ये पूरा मामला है और ऐसे में उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास अब प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। तो आरोपी सनी कुरारा का रहने वाला है और आरोपी सनी के घर पर भारी पुलिस बल मौजूद है, ये बड़ी जानकारी, जहां लगातार परिवार वालों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि मंशा का पता लगाया जा सके, कब से इस तरीके की साजिश रच रहे थे ये लोग, क्योंकि बताया जा रहा है प्रयागराज में 1 महीने से ये लोग जमे हुए थे और इस दौरान इन्होंने एक कोचिंग सेंटर में अपना एडमिशन लिया था, खुद को स्टूडेंट ये लोग प्रिटेंड कर रहे थे और ऐसे में लगातार अब तमाम तथ्यों की भी जांच हो रही है कि किस तरीके से ये लोग कब से रेकी कर रहे थे और रेकी करते हुए इन्होंने हत्या को साजिश के तहत अंजाम दिया है, उसके पीछे क्या पूरा बैकग्राउंड है, इसको खंगालने का प्रयास अब पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आरोपी सनी के घर पर पुलिस बल मौजूद है, किस तरीके से पूछताछ हो रही है, घर वालों का क्या कुछ कहना है, कुछ पता लग पाया है? समय में लवलेश तिवारी जो एक शूटर था उसके घर में खड़ा हूँ मैं। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाई जरा ये घर है, ये वही घर है जिसमें लवलेश तिवारी किराए से रहता है। इससे पहले लवलेश तिवारी चिल्ला क्षेत्र का रहने वाला है। हम उसके देखिए अंदर चलकर उनके परिजनों से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये क्या मामला था पूरा, क्यों ऐसा हुआ। ये देखिए, ये इस कमरे में लवलेश तिवारी किराए से रहता था और ये उनका कमरा है जहां पे वो किराए से रहता था। ये हम परिजनों से बात करने का एक बार प्रयास करेंगे कि आखिर देखिए, उनके परिजन जो है ये साफ कह रहे हैं कि वो वास्तव में बाहर पड़ता था और थोड़ा सा रेड टाइप था, लेकिन कई संगठन में वो काम करता था। जी,
मौजूद हैं लवलेश के घर के पास और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को। लेकिन इसी के साथ घर वालों से जब पूछताछ हो रही, जो अन्य आरोपी हैं वो उनके जो परिवार वाले हैं कहीं ना कहीं हाथ पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में परिवार वालों की तरफ से क्या जानकारी दी जा रही है? उनको ये जानकारी थी कि एक महीने से प्रयागराज में वो मौजूद था, क्योंकि बताया जा रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूशन में इन लोग ने एडमिशन ले रखा था। किस चीज की ये लोग पढ़ाई कर रहे थे? ज्ञानेंद्र, मेरी आवाज शायद ज्ञानेंद्र तक नहीं पहुंच पा रही।